सुबह सुबह आ जाते, सोने भी नहीं देते। आ रहा हूं। क्या है? अमित कपूर आप हैं? नहीं तो क्या आप हैं क्या? अमेरिका से कुरियर आया है, जल्दी साइन कर दीजिए यहाँ। देखिए भाई साहब, आप जल्दी में होंगे, मुझे कहीं नहीं जाना है। ये लीजिए। अरे यार, ये तो अनिल कपूर की चिट्ठी है। आपके नीचे। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बापू की चिट्ठी, इतने साल बाद कुरियर से चिट्ठी भेजी है, सब ठीक ठाक तो है ना? मेरे प्यारे अमित, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने अपने बॉम्बे का फ्लैट और उसका सारा सामान बेच दिया है। बेच दिया है? अरे बुढ़ा सठिया गया है क्या? ये फैसला अचानक हो गया क्योंकि अमेरिका का एक दोस्त हिंदुस्तान में कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। वैसे भी तुम्हारी मम्मी ये चाहती है कि तब अमेरिका वापस आ जाओ। नहीं 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 नहीं, इसलिए इस लेटर के साथ साथ मैं तुम्हें अल कतार एयरवेज की टिकट भी भेज रहा हूँ, डिस्काउंट में मिली है। कल शाम ठीक 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना, बहुत लंबा कतार होगा। अरे मर गए मर गए मर गए। और हाँ, घर का सामान ले जाने वालों को रोकना मत, मैं पैसे ले चुका हूँ, भारी मार पड़ेगी। यूं समझ ले कि इंडिया में ये तेरा आखिरी एपिसोड है। आखिरी एपिसोड? गुड मॉर्निंग हम्टी। अभी सुबह सुबह कौन घंटी बजा रहा था? हाँ? नहीं कोई नहीं, वो हाँ रॉन्ग नंबर था। और तेरे हाथ में क्या है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमित, आर यू ओके? नॉट एग्जैक्टली यार। क्या हुआ? अब आप ही बताइए, इन्हें कैसे बताऊंगा क्या हुआ? बताता हूँ क्या है ना कि पापा की चिट्ठी आई है। ओह माय गॉड, फिर से आ रहा है वो पकाऊ? अरे नहीं यार, तू मेरी बात तो सुन पहले। अच्छा। देख राखी, जिंदगी में क्या होता ना कि कुछ एक जैसा नहीं रहता है, सब कुछ बदलता रहता है, कभी ये होता है कभी वो होता है। आज हम लोग हैं, हो सकता है कि कल हम लोग ना हो। मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना? अरे यार, मेरे पापा की चिट्ठी आई, तेरी मम्मी को क्या होगा? बोल आंटी, तू स्वाभिमान के डायलॉग यहाँ क्यों बोल रहा है? सीधे से बता ना क्या हुआ है। अरे ये बताने का मौका दे तब बताओ ना, पहले सीन से रोना धोना शुरू कर दिया। देखा क्या सैंपल है, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन इसे अभी तक पता नहीं चला। देखो बताता हूँ, एक्चुअली वो ऐसा है कि क्या है ना कि क्या बताता हूँ। तुम्हें याद है वो पहला दिन जब तुम दोनों पहली बार मेरे इस घर में आए थे, पीजी का अकोमोडेशन ढूंढते ढूंढते? वाओ वाओ, जैसे मैंने सोचा था वैसा ही है। ब्यूटीफुल। कौन मैं ना? अमेजिंग सुपर। हाँ वो। हाउ एक्साइटिंग, हाउ डू मैनेज टू कीप योर हाउस सो डिफरेंट एंड एक्साइटिंग? नहीं वो क्या मैडम कि वो मैनेज नहीं करना पड़ता है, धूल अपने आप जम जाती है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। जाओ मालिक को बुलाओ। ठीक है ठीक है। हाँ? देखिए मैडम, इस घर का मालिक मैं खुद हूँ। फिर ये लो 50,000 रुपए, कल से मैं इस घर में शिफ्ट कर जाऊंगी। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। ओके What a beautiful house. कैसे भूल सकते हैं हम लोग वो दिन जिस दिन तूने हमारी डिपॉजिट की वाट लगाई थी। हाँ हाँ वही दिन। क्या दिन था वो, ना मैं तुम लोगों को जानता था ना तुम लोग मुझे जानते थे। अरे तुम लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, अच्छा हूँ कि खराब हूँ, है ना? सीधे सीधे बताना क्या बात है। अरे बताता हूँ, 2 मिनट तो दे यार, इस सीन में बिल्डअप की जरूरत है। देख निकी, ये सब बताना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। वो क्या है ना कि तुम लोग जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ है, तो सुनो अमित। वो अरे बीच में मत बोल यार। बाकी ये जिंदगी एक नाव के जैसी, कभी नीचे गिराती है तो कभी ऊपर गिराती है, आंधियों के बीच में ये कश्ती डगमगाती रहती है, कभी हम दोनों को पास लाती है तो कभी दूर ले जाती है, दूर बहुत दूर। निकी ये तो सच में बहुत दूर जा रहा है। कितनी दूर कि हो सकता है हम कभी मिले ही नहीं। दूर बहुत दूर, बहुत ही दूर।
चलिए चलिए उठिए साहब, सामान लेके जाना। क्या आंटी? हाँ आंटी, क्या हम सच में अलग हो रहे हैं? निकी देख, रोना मत यार, ये अपना रिकॉर्ड है यार। 2 साल के अंदर एक एपिसोड में भी किसी के आंसू का एक कतरा भी हमारे फर्श में नहीं गिरा, सिवाय प्रोड्यूसर के। तुझे क्या हो गया? मेरे 2-4 गिर गए। मेरे पुत्र, ओया की हो गया, ओया की हो गया। और लिक्की रखी ये चालक ये पहाड़ पर कैसे गिर गया? मत रो ठंडा अंकल, मत रो, ये एक ना एक दिन तो होना ही था, है ना? पुत्र जरा सोचो, और तुम लोगों के बगैर मैं कैसे जी सकूंगा? अंकल डोंट वरी, वक्त हर जख्म भर देता है, बिलीव मी। ओए खन्नू, इससे पहले सारा सामान बाहर चले जाए, जल्दी जल्दी जाकर देख ले, अपने घर के लिए कोई सामान उठाना है तो उठा के थैले में डाल ले। अरे तुझे क्या हो गया? रख रख रख, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे क्या यार, हम लोग ये आखिरी लम्हे हंस बोल के नहीं घुसा सकते हैं? क्या रोना जरूरी है क्या? सर ग्लिसरीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। बदतमीज, देखो अगर हम लोग रोने लगेंगे ना तो अभी से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, आउट ऑफ फोकस। अब क्या हो गया? तू भी तो मदर इंडिया के डायलॉग्स बोल बोल के हमें रुला रहा है। एक्चुअली हमें सही कह रहा है राखी, हमें ये आखिरी लम्हे तो हंस के गुजारने चाहिए, वरना ये लोग भी पक जाएंगे, है ना? और जो रोना चाहता है वो बाथरूम में जाके रो ले, मैं बाथरूम में रोकर आता हूँ। सबसे पहले जाकर बाथरूम से अच्छी अच्छी फिटिंग निकाल लेता हूँ और थैले में डाल लेता हूँ। खन्ना अंकल भी कितने स्वीट है, एक्चुअली हम लोग को कितना मिस करेंगे, नहीं? हाँ। अबे 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 बाथरूम उधर है। बाथरूम? अबे तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? तुझे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। अबे अबे तू मेरा गला नहीं छोड़ेगा तो मुझे अपनी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, मर जाना छोड़। कहीं बाथरूम में तो नहीं जा रहा? खबरदार! अबे इन आदमियों से कहना कि अगर इन्होंने उठाना उठाना बंद नहीं किया तो 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 मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कर यार, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा। एक, कुणाल तू ऐसा क्यों करा? हम लोग भी बहुत अपसेट है, हम लोग कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा मत कर। दो, प्लीज कुणाल प्लीज। अब उतर ना कर, ना कर। 3 मत गिन, 3 मत गिन, मर जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो फिर मैं नहीं मरता। नहीं सुधरेगा। क्या हो गया? अबे मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा? जब मैं लाइंस में मिस्टेक करूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा? अबे तेरी मदद करने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आखिरी लम्हे हम लोग हंस के गुजारेंगे, राइट? यस। अरे वो वाला एपिसोड याद है तुमको, जिस एपिसोड में राखी के पिताजी आ गए थे और कितना डर गई थी और मुझे यहाँ बेडरूम में छुपा दिया था? याद है कितना हम लोगों ने ट्राई किया था कि पापा ये बेडरूम में नहीं होते, लेकिन पापा तो बेडरूम की तरफ ही जा रहे थे और मुझे लगा कि मैं तो गई। लेकिन अमित तू अंदर क्या कर रहा था? अरे पागल, मैं क्या कर रहा था? मैं भी डर के मारे यहाँ से वहां से यहाँ से। फिर मुझे याद आया कि कवर्ड में अमित कपूर की आंटी का कॉस्ट्यूम था। तो यार तू अपनी आंटी की याद मत दिला। मुझे पता है अपने खन्ना अंकल को मिसेस कपूर के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और यार तू है भी तो कितना सोना मुंडा। लेकिन खन्ना अंकल, मैं इतना सोना नहीं हूँ, मैं चांदी भी नहीं हूँ, फिर भी क्रिसमस टाइम पर आपको मुझमें डॉली की मम्मी दिखाई दे रही थी। डॉली की मम्मी तो इतनी खूबसूरत थी। अरे बेवकूफ, मैं लुट नहीं रहा हूँ, मैं तो फूट रहा हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका फूट जाऊंगी। जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहां वहां आऊंगी। अगर तुम डाल डाल तो मैं भाग भाग।
बात बात ही पुत्र इधर आ। ना सामान हटा लीजिए, हमें बेडरूम खाली करना है, बाहर बैठ जाइए आप लोग। नहीं राखी नहीं, कोई कोई नहीं रोएगा। लेकिन अब अमित, अब तो सच में रोना आ रहा है। आहा, हम लोगों ने डिसाइड किया है ना कि हम लोग गुड बाय हंसते हंसते कहेंगे, तो फिर हंसते हंसते ही कहेंगे। आज पहली बार अमित को रोते हुए देखा। क्लोज कहाँ लगाने? रोहित को बोल रहा था क्लोज। आज हमारा घर कितना बड़ा लग रहा है। नहीं अच्छा, आज से पहले इस कमरे में आवाज कभी नहीं गूंजती थी, लेकिन आज देखो। निकित, निकित, निकित। अमित, अमित, अमित। राखी, राखी, राखी। कमाल है ना कुदरत का, जब घर भरा हुआ रहता है तो आवाज दिल में जाती है, और जब घर खाली होता है तो दीवारों से टकराती है। ओए पुत्र, हमने तो डिसाइड किया था कि हम लोग रोएंगे नहीं। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि हंसना हंसाना कितना मुश्किल है। चलो हंसो यार, जान तो पहले एक यादगार वास्ते फोटो खींच लेने हैं। ओ भाई साहब, आप तो उतारने में बड़े एक्सपर्ट है, हमारी एक फोटो उतार दीजिए। आप अपने बीवी के पास ही ठीक है। हाँ? ओके, स्माइल रेडी। रेडी साहब। यस। थैंक यू यार, थैंक यू। चलो भाई, एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया। निक्की और राखी को डोमेस्टिक एयरपोर्ट छोड़ते हैं। डफर तो रो क्यों रही है? डफर तू तेरा बाप। अपने बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरा बाप तो सचमुच डफर निकला यार। राखी, देख घर जाके ना अपनी आईक्यू को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। हाँ, आईक्यू क्या होता है? जानते जानते, तू जैसी है वैसी अच्छी है। गले वाले नहीं लगना मुझे, रो रो के थक गई हूँ मैं। क्या बात कर रही है, आज के बाद तुझे गले लगाने के बहुत कम मौके मिलेंगे। ठंड पड़ गई। देख अपना ख्याल रखना। ओके, नहीं रखूंगी। और देख मेरे पीठ पीछे ना लड़कों को ज्यादा लाइन वाइन मत देना। नहीं दूंगी। और शादी करने से पहले एक बार मुझे प्रपोज जरूर कर देना। ओके, नहीं करूंगी। I miss you. मेरे लाले की जान, मेरे छोटे में तो रहा है।
क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? हाँ, मैं मुड़ी कर देख, मेरे जाने के बाद ना अमित कपूर बन के किसी लड़की को पटाने की कोशिश मत करना, बहुत पिटेगा और तुझे बचाने के लिए मैं वहां नहीं होऊंगा, ओके? तेरे जाने के बाद कौन सी लड़की मेरे तरफ देखने वाली है? स्मार्ट बॉय, आइडिया आइडिया, देख ये मेरा ब्लैक बुक है, इसमें सारी लड़कियों के नंबर और नाम लिखे हुए हैं, हाँ फोन कर लेना। लेकिन अमित, हाँ तेरे बिना कोई मजा नहीं आएगा यार। अच्छा चल ला वापस दे दे। नहीं, मैं रख लेता हूँ, मोटा बदलने वाला है नहीं। अरे मेरी माँ, अब तो तू मुझे गुड बाय बोलेगी ना, बोलेगी? हाँ, मुझसे पीछा छुड़ा के तुम तो खुशी होगे ना? अरे क्या बात कर रहे यार, तुझे क्या लगता है कि मैं सचमुच तुझसे दूर भागता था? यानी तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? इतनी जल्दी छोड़ दिया? अपना ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई करना। रो क्यों रहे? आप तो खुशी होंगे कि मैं जा रहा हूँ। तू तो जानता रहे, तेरे जाने से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? अपने आप को जरा वो मत करिए, आपसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा कि मैं आपको छोड़ के फाइनली बहुत दूर जा रहा हूँ। अच्छा अंकल, सॉरी मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दीजिए। चलो यार, पर तू कब का मेरे हेड को एक दे रहा है, चलो उठो एयरपोर्ट जाने का। गुड बाय।